नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सपने बेचने वाला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। वैभवगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह राजकुमार वैभव के आगमन की प्रतीक्षा में थे। महामंत्री, हमें पूरा विश्वास है कि वैभव मगध राजकुमारी कामनी को नापसंद नहीं कर सकता। मुझे भी यही विश्वास है महाराज, मगध राजकुमारी संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। महाराज की जय हो। राजकुमार वैभव दरबार में पधार रहे हैं। राजकुमार वैभव, क्या हम मगध राजकुमारी से तुम्हारे विवाह की तिथि निश्चित कर दें? पिताजी, मुझे राजकुमारी कामनी भी पसंद नहीं है। क्या तुम हमें क्यों दुखी कर रहे हो वैभव? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी बहू का मुख देखे बिना इस संसार से चले जाएं? ऐसा मत कहिए पिताजी, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। परंतु क्या मेरे सपनों की राजकुमारी अभी नहीं मिली है? आखिर कौन है तुम्हारे सपनों की राजकुमारी? ये तो अभी मैं भी नहीं जानता। महारानी, तुम्हारे लाडले ने राजकुमारी कामनी को भी नापसंद कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कामनी को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। लेकिन महारानी रत्ना, हमारा राजकुमार ऐसा कर चुका है। वैभवगढ़ की प्रजा में सुना तुमने, राजकुमार ने मगध राजकुमारी को भी नापसंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे राजकुमार को अब आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी कामनी से सुंदर इस समय संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। अब तो महाराज को भी राजकुमार के विवाह की इच्छा त्याग देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे राजकुमार के हाथ में 6 उंगलियां होना कोई अभिशाप है। शायद इसी की वजह से राजकुमार का विवाह। दिन बीतते रहे, महाराज महेंद्र सिंह इस चिंता में घुलते जा रहे थे। महामंत्री, अब तो हमारी बची खुची आशा भी खत्म होती जा रही है। ऐसा मत कहिए महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमार को उनके सपनों की राजकुमारी एक दिन अवश्य मिलेगी। अब आप ही इस समस्या का कोई उपाय ढूंढिए महामंत्री जी। और एक दिन महाराज, आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जल्दी बोलो महामंत्री, क्या राजकुमार को कोई लड़की पसंद आ गई है? अभी तो पसंद नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब उन्हें उनके सपनों की राजकुमारी मिल जाएगी। महाराज, सचमुच ये खुशखबरी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। हम आपके दामन को हीरे मोतियों से भर देंगे महामंत्री जी। लेकिन ये सब बताता हूँ महाराज। महाराज, हमारे राज्य में एक सपने बेचने वाला आया हुआ है। क्या सपने बेचने वाला? ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? सपने भी कहीं बिकते हैं? ये सच है महाराज, सपनों का सौदागर सचमुच सपने बेचता है। उसका दावा है कि किसी व्यक्ति ने अपने दिल में जैसी तस्वीर बसा रखी हो या सोच रखा हो, वो उसका सपना उसे प्रत्यक्ष में दिखा सकता है। हमारे राज्य में उसके दावे को बहुत लोग आजमा चुके हैं। सारे राज्य में उसकी चर्चा हो रही है महाराज। हमारे राजकुमार के सपनों में जो राजकुमारी की छवि बसी है, उसका सपना वो प्रत्यक्ष में उन्हें दिखा सकता है महाराज। लेकिन राजकुमार का तो कहना है कि उसने अपने सपनों की राजकुमारी को ना कभी देखा है और ना इसे जानता है। नयन सिंह का यही दावा है महाराज कि वो राजकुमार को उनके सपनों की राजकुमारी दिखा सकता है। महामंत्री, हम उस करिश्माई सपने बेचने वाले से मिलना चाहते हैं। सपने बेचने वाला, सपनों का सौदागर, आप यहाँ पर अपनी संभव या असंभव कल्पनाओं का सपना अपनी जागती आंखों से स्वयं देख सकते हैं। संतुष्ट न होने पर सपने की पूरी कीमत वापस। सपने बेचने वाले के डेरे के बाहर अपार भीड़ जम गई। लोग अपनी बारी के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े थे। डेरे के अंदर सपनों के सौदागर, मेरी पत्नी बहुत दुष्ट है, मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। मैं यह सपना देखना चाहता हूँ कि वो मुझे पति परमेश्वर समझकर पूजा करे। हाँ तो मलखान सिंह, तुम क्या सपना देखना चाहते हो? बहुत अच्छा, अब तुम जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मलखान सिंह उस भव्य सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठ गया।
अब वो अपना मनचाहा सपना देख रहा था। स्वामी, आज आप इतनी देर में क्यों आए? मैं कब से आपका इंतजार देख रही थी। क्या? अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति परमेश्वर के चरण धो रही हूँ। आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? पति के चरणों में ही हर पत्नी का स्वर्ग होता है नाथ। आप ही तो मेरे देवता हैं स्वामी। चलिए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। बस बस, और नहीं, और खाइए ना। देखो ना, आज आपने कितना कम खाया है। अब बारी थी रामलाल की। तुम क्या सपना देखना चाहते हो रामलाल? मैं वैभवगढ़ के राजा की गद्दी पर बैठने का सपना देखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तुम राजा बनते हो। सावधान, वैभवगढ़ के महाराज धीराज रामलाल दरबार में पधार रहे हैं। महाराज रामलाल अपने सिंहासन पर बैठ गए। महामंत्री जी, हमारे लिए कुछ नृत्य संगीत का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज महेंद्र सिंह सपनों के सौदागर के डेरे पर पधारे। महाराज की जय हो। ये नाचीज अपने डेरे पर महाराज की उपस्थिति से धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हम तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए सपनों के सौदागर। महाराज ने खबर भिजवा दी होती, मैं वही महाराज की सेवा में हाजिर हो जाता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। हम आपके पास एक आवश्यक कार्य से आए हैं सपनों के सौदागर। आज्ञा कीजिए महाराज। राजकुमार को विवाह के लिए कोई राजकुमारी पसंद ही नहीं आती। उसका कहना है कि उसे अभी उसके सपनों की राजकुमारी नहीं दिखाई दी है, लेकिन वो उसे न जानता है और ना उससे मिला है। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। मैं राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी के दर्शन करा सकता हूँ। अगर तुमने ये चमत्कार कर दिखाया तो हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत देंगे सौदागर। महाराज का खुश होना ही मेरी कीमत है। राजकुमार वैभव को सपनों के सौदागर के डेरे पर पहुंचा दिया गया। आइए राजकुमार, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम सचमुच ये चमत्कार कर सकते हो सौदागर? अगर ना कर सकूं तो मेरा सिर कलम कर दीजिएगा राजकुमार। राजकुमार, राजकुमार, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी राह देख रही हूं। तो मेरे पास चले आओ राजकुमार। मुझे इस कैद से केवल तुम ही आजाद करा सकते हो। मुझसे और इंतजार मत कराओ। मेरी सपनों की राजकुमारी? मैं आ रहा हूं राजकुमारी। क्या हुआ राजकुमार? मेरे सपनों की राजकुमारी मिल गई है सौदागर। सौदागर, कौन है यह राजकुमारी और इसे किस दुष्ट ने कैद किया हुआ है? इस राजकुमारी की बहुत दुख भरी कहानी है राजकुमार। जल्दी सुनाओ सौदागर। तुमने सुना नहीं, वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। मैं उसे पाकर ही रहूंगा। उसे प्राप्त करना इतना सरल नहीं है राजकुमार, जितना आप समझ रहे हैं। मैं अपने सपनों के राजकुमारी को प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आज तक सिर्फ इस राजकुमारी के लिए ही जिंदा था। सौदागर, देर मत करो, मुझे राजकुमारी के विषय में सब कुछ बताओ। आप जिद कर रहे हैं तो बताता हूँ युवराज। सौदागर ने बताना शुरू किया। ये वैशाली नगर की राजकुमारी किन्नर है। वैशाली नगर की अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी किन्नर का स्वयंवर था। सावधान, राजकुमारी किन्नर स्वयंवर सभा में पधार रही हैं। राजकुमारी किन्नर सर्वप्रथम आशीर्वाद लेने अपने पिता महाराज पराभव के पास पहुंची। बेटी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पति सूरज के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर तथा वीर पराक्रमी योद्धा हो। महामंत्री, उपस्थित राजाओं, राजकुमारों एवं अन्य सम्मानित महानुभावों का राजकुमारी को परिचय देते चल रहे थे। ये है चंदनपुर के राजकुमार अभिनव, पराक्रम में साक्षात देवराज इंद्र के अवतार। ये बेलागढ़ के महाराज, ये गंधर्व देव देश के महाराज। राजकुमारी किन्नर एक एक करके समस्त राजा महाराजाओं और युवराजों को अस्वीकार करती हुई आगे बढ़ती चली गई। और अंत में यह है संसार के सबसे विचित्र जाल तिलस्म के निर्माता और महान तांत्रिक जादूगर कालदेव। जादूगर कालदेव के पास से भी राजकुमारी किन्नर आगे बढ़ गई।
क्षमा कीजिए पिताश्री, स्वयंवर में उपस्थित गणों में मेरी वरमाला का हकदार कोई नहीं है। ये तुम क्या कह रही है बेटी, तुम्हारा ये आचरण स्वयंवर की परंपराओं के विरुद्ध है। स्वयंवर की परंपराओं के अनुसार तुम्हें उपस्थित गणों में से किसी के गले में वरमाला डालनी ही चाहिए। पिताजी, जब तक मुझे मेरी पसंद का वर नहीं मिलेगा, मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे सारी उम्र कुमारी ही क्यों ना रहना पड़े। लेकिन बेटी, उपस्थित राजाओं में हड़कंप मच गया। ये हम सबका अपमान है, हम अपना अपमान हरगिज सहन नहीं करेंगे, हम वैशाली नगर की ईंट से ईंट बजा देंगे। राजकुमारी का अपहरण कर लो। ठहरो, राजकुमारी की तरफ किसी ने भी आंखें भी उठाकर देखी तो उसे भस्म कर डालूंगा। राजकुमारी पर सिर्फ कालदेव का अधिकार है। ये अच्छा ही हुआ कि राजकुमारी ने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली, वरना उसे भी अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता। अब मैं राजकुमारी किन्नर का अपहरण करके ले जा रहा हूँ, जिसे अपने प्राण प्यारे हो वो रोकने का प्रयास कर सकता है। ठहरो कालदेव, तुम हमारी बेटी को इस तरह अपहरण करके नहीं ले जा सकते। तुम मुझे रोकोगे महाराज? पराभव, इतना नादान समझता था मैं तुम्हें। तुम्हें तो इस अंजाम की उस समय ही कल्पना कर देनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे बगैर निमंत्रण के स्वयंवर में पधारा था। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट जादूगर को। सैनिकों ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, भक मरा। स्वयंवर सभा में भगदड़ मच गई। भागो भागो। जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर की तरफ बढ़ा। मुझे छोड़ दो, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तुझे मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता नादान राजकुमारी। कमीने, तेरी ये मचाल। राजकुमारी किन्नर, तुझे अपने होने वाले पति को गाली देना शोभा नहीं देता। मैं तेरे जैसे दुष्ट की पत्नी बनने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। हाँ, ये वादा जरूर करता हूँ कि जब तक तू अपनी इच्छा से मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी, तब तक तुझसे जबरदस्ती विवाह नहीं करूँगा। अपनी हाँ कहने तक तू मेरे तिलस्म में कैद रहेगी। मेरे तिलस्म की कैद तुझे एक दिन हाँ कहने के लिए विवश कर देगी। नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा दुष्ट जादूगर। अचानक जादूगर कालदेव ने मुंह से धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। स्वयंवर सभा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, और जिस समय धुआं छटा, जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर को लेकर गायब हो चुका था। उफ, वो दुष्ट जादूगर हमारी बेटी को अपहरण करके ले गया और हम कुछ ना कर सके। आप कुछ कर भी नहीं सकते थे राजन। महर्षि त्रिकालदर्शी आप? हाँ राजन, हम इस घटना के बारे में राजकुमारी के जन्म से ही जानते थे। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजन, आप ये तो जानते हैं ही कि हम ईश्वर की कृपा से किसी के भी तीन काल, भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। हमने राजकुमारी के जन्म पर ही इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। फिर तो आपने इससे आगे क्या होगा ये भी देख लिया होगा। हाँ तो बताइए महर्षि, क्या मेरी बेटी कालदेव के तिलस्म से आजाद हो पाएगी? कालदेव का तिलस्म टूटना केवल एक स्थिति में संभव है। किस स्थिति में? अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जब चिलचिलाती धूप और मूसलधार बारिश एक साथ हो रही हो। और क्या महर्षि? और उस शिशु को जन्म देने वाली माँ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी उसके जन्म के साथ ही चटक कर टूट गई हो। साथ ही उसके एक हाथ में एक विशेष बात और होनी चाहिए। ये दोनों विचित्र घटनाएं तो असंभव सी प्रतीत हो रही है महर्षि। चिंतापुर महाराज पराभव को अचानक ख्याल आया। आप तो त्रिकालदर्शी हैं महर्षि, ये तीनों कालों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने में समर्थ, फिर भी आप भी ये अवश्य जानते होंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है या नहीं जिसके जन्म के साथ ये दोनों विचित्र घटनाएं जुड़ी हो। आप इस तरह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा क्यों रहे हैं महर्षि? हम आपकी उत्सुकता को समझ रहे हैं राजन। फिर बताइए ना महर्षि, हमें अपने बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है।
कालदेव के तिलस्म को कोई व्यक्ति तोड़ सकता है या नहीं, यह हम आपको एकांत में बताएंगे राजन। महर्षि त्रिकालदर्शी महाराज पराभव के कान में ना जाने क्या क्या फुसफुसा रहे थे, जिसे सुनकर महाराज पराभव की आंखों में आशा और खुशी की मिली जुली चमक नजर आने लगी। उधर सपनों के सौदागर ने राजकुमारी किन्नर की कहानी सुनाकर राजकुमार वैभव की तरफ विचित्र से नज़रों से देखा। राजकुमारी किन्नर को प्राप्त करने के लिए कालदेव के तिलस्म को तोड़ना आवश्यक है। मैं अपने सपनों की राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो कालदेव के तिलस्म को तोड़ना ही क्यों ना हो। कालदेव के जाल तिलस्म को तोड़ने के लिए आपके जन्म के साथ वो दो विचित्र घटनाएं जुड़ी होना भी तो बहुत आवश्यक है राजकुमार। मेरे जन्म के साथ वे दो घटनाएं जुड़ी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता सौदागर, लेकिन मैं निश्चय कर चुका हूँ कि कालदेव के तिलस्म को तोड़ने मैं अवश्य जाऊँगा। अगर आप तिलस्म तोड़ने का निश्चय कर ही चुके हैं तो मैं भी आपकी थोड़ी मदद अवश्य करूँगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो सौदागर? मैं आपको सपने में जाल तिलस्म दिखा सकता हूँ। हे सौदागर, मुझे तिलस्म दिखाओ, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। राजकुमार, मदद कीमत लेकर नहीं की जाती। जब मैंने आपकी मदद के लिए कहा है तो कीमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सौदागर, हम तुमसे बहुत खुश हुए, अब हमें तिलस्म दिखाने के लिए देर मत करो। जो आज्ञा राजकुमार। जाल तिलस्म के 7 दरवाजे हैं और वो उत्तर दिशा में स्थित जाल नदी से शुरू होता है। नदी में एक नाव तैयार रहती है जिसमें बैठकर दूसरी तरफ जाल टापू में उतरना पड़ता है। ये नाव ही इस तिलस्म का पहला द्वार है। नाव में बैठते ही धीरे धीरे उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, और अगर शीघ्र ही पानी भरना ना रोका गया तो दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही नाव बीच में जाकर डूब जाएगी और नाव में बैठा व्यक्ति नदी में हजारों की संख्या में मौजूद मगरमच्छों के पेट का भोजन बन जाएगा। नाव में पानी भरने को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका नाव में बैठे व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाता है तो समझो उसने तिलस्म का पहला द्वार तोड़ दिया। तिलस्म का दूसरा द्वार है टापू में एक मांसाहारी पेड़, जो टापू के एकमात्र रास्ते के किसी किनारे पर कहीं खड़ा है। अगर नीचे से गुजरने वाले हर जीव की गंध पाकर वो उसे दबोच लेता है, इस आदमखोर पेड़ के नीचे से गुजरना हर हालत में आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र रास्ते की पगडंडी से जरा सा कदम बाहर रखते ही सैकड़ों जहरीले कोबरे सांप उस व्यक्ति को डस लेंगे। लेकिन वो किसी भी हालत में पगडंडी पर नहीं आएंगे और ना ही पगडंडी पर चलने वाले को कुछ कहेंगे। अगर आप सुरक्षित उस आदमखोर पेड़ के नीचे से निकल गए तो समझो अपने तिलस्म का दूसरा द्वार तोड़ दिया। उस रास्ते पर ही आगे चलकर आपको एक किला नजर आएगा, जिसके मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा नजर आएगा। द्वारपाल की खासियत यह है कि वो सिर्फ झूठ सुनना ही पसंद करता है, और झूठ भी ऐसा जो उसे प्रिय हो। आपको उसे प्रिय लगने वाला झूठ बोलना है। अब ये आपकी बुद्धि और चतुराई पर निर्भर है कि आप उससे क्या झूठ बोलें जो वो आपको अंदर जाने दे। साथ में ये बात भी ध्यान रखें कि अगर उसे आपका झूठ पसंद नहीं आया तो वो आपके गाल पर एक तमाचा मारेगा और आप पत्थर के भूत बन जाएंगे। इस किले के अंदर जाना ही तिलस्म का तीसरा द्वार पार करना है। चौथा द्वार है किले के अंदर घूमते ही सामने लगी दीवार घड़ी, जिसमें हमेशा 12 बजे रहते हैं, लेकिन उसकी सेकेंडों की सुई बराबर ऐसा कुछ संकेत करती है कि आप उस समय हो रहा वास्तविक समय ज्ञात कर सकें। आपको वही वास्तविक समय उस घड़ी में बजाना है। अगर आपको 1 मिनट के अंदर ऐसा नहीं किया तो सेकेंड की सुई तलवार बनकर आपके सीने में घुस जाएगी। तिलस्म का पांचवा द्वार है 10 घोड़ों में से एक घोड़े का सही चुनाव करना। किले के मैदान में 10 घोड़े खड़े मिलेंगे, लेकिन उनमें से केवल एक घोड़ा ही ऐसा होगा जो आपको तिलस्म के छठे द्वार तक ले जाएगा। बाकी 9 घोड़े अंधे हैं, जिनके पीठ पर बैठते ही वे आपको वापस जाल नदी में ले जाकर डुबो देंगे। उस सही घोड़े को छाटना ही पांचवें द्वार को सफलतापूर्वक पार करना है। वैसे वो घोड़ा देखने में तो शेष 9 घोड़े जैसा ही होगा, परंतु एक बात में भिन्न होगा।
कौन सी बात में भिन्न होगा ये देखना आपकी आंखों और दिमागों पर निर्भर है। वो घोड़ा आपको ले जाकर जहाँ खड़ा करेगा वहीं इस तिलस्म का छठा द्वार होगा, जहाँ पर एक बड़ा आदमकद शीश लगा होगा। उस शीशे में ऐसा कुछ जरूर नज़र आएगा कि आप पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं होगा, परंतु तब तक वो शीश किसी बम की तरह फटकर आपके पर खच्चे उड़ा देगा। आपको ऐसा कुछ करना है कि शीशा सही सलामत रहे, लेकिन उसमें से वो गायब हो जाए जो नज़र आ रहा हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप सातवें और अंतिम द्वार के सामने खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। सातवें द्वार में आप काल देवी की विकराल मूर्ति के सामने होंगे। ये मूर्ति ही सातवें द्वार के रूप में आपके और राजकुमारी किन्नर के बीच इस तिलस्म की अंतिम बाधा होगी। इस बाधा को पार करते ही ये तिलस्म टूट जाएगा और राजकुमारी आज़ाद हो जाएगी। लेकिन मूर्ति द्वारा रास्ता देना सरल नहीं है, ये मूर्ति बलि मांगती है। क्या इसे आप अपने शरीर की बलि दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कैसे? अगर आपको अपनी बलि दे भी दी तो राजकुमारी आज़ाद होकर क्या आपको प्राप्त कर सकेगी? देवी को आपकी बलि भी मिल जाए तो आपका कोई अहित भी ना हो और राजकुमारी को आप प्राप्त कर सकें, आपकी ये परीक्षा लेना ही इस तिलस्म के सातवें और अंतिम द्वार का उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप काल देवी को खुश करने में सफल नहीं हुए तो आपके पैरों की जमीन फट जाएगी और आप हमेशा के लिए जमीन में समा जाएंगे। तिलस्म के सपना देखने के बाद, लेकिन राजकुमार सौदागर, अब मैं तुरंत इस तिलस्म के लिए प्रस्थान करता हूँ। लेकिन क्या सौदागर, अगर आप महाराज की इजाज़त ले लेते तो अच्छा होता। नहीं सौदागर, पिताश्री हमें मौत के जोखिम से भरे तिलस्म में जाने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे, और अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त किए बिना हम भी हरगिज चैन से नहीं रह सकेंगे। अच्छी तरह सोच लीजिए राजकुमार, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस तिलस्म से कभी लौट कर ही ना आए और वो तिलस्म आपकी समाधि बन जाए। कोई परवाह नहीं, अगर आप ये निश्चय कर ही चुके हैं राजकुमार, तो मैं भी आपको तिलस्म तक पहुंचाने मदद करूंगा। डेरे से बाहर आकर सैनिकों, तुम ये दो घोड़े छोड़कर महल वापस लौट जाओ। लेकिन युवराज, हम लेकिन नहीं आज्ञा पालन चाहते हैं। सैनिक वापस लौट पड़े। राजकुमार वैभव और सपनों का सौदागर घोड़े पर सवार हो गए। घोड़सवारों को लिए दोनों घोड़े उत्तर दिशा में एक जंगल की तरफ बढ़ चले। उधर महल में ये खबर पहुंचते ही हड़कंप बच गया। जाओ फौरन राजकुमार और उस रहस्यमय सौदागर को तलाश करो, जिस दिशा की तरफ गए हैं उसका चप्पा चप्पा छान मारो। हमें हर दशा में राजकुमार सुरक्षित और सौदागर जिंदा या मुर्दा चाहिए। वैभवगढ़ के सैनिक जंगलों की खाक छानने लगे। थक हार कर निराश लौटे सैनिक दरबार में, महाराज हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन राजकुमार और सौदागर का कुछ पता नहीं चला। नलायकों, क्या आकाश में उड़ गए या दोनों को धरती निकल गई? महाराज मुझे ऐसा लगता है राजकुमार को गायब करने का ये उस सौदागर का कोई षड्यंत्र था। उफ, ये हमसे कैसी भूल हो गई महामंत्री, हमने बगैर सोचे समझे राजकुमार को सौदागर के पास भेज दिया। एक आश्रम के बाहर, ये हम कहाँ आ गए हैं सौदागर? एक बहुत पहुँचे हुए महर्षि के आश्रम पर, चलो अंदर चलें। अंदर पहुँचकर सपनों के सौदागर, आखिर तुम राजकुमार वैभव को ले ही आए? और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और इसकी अगली कॉमिक्स है सपनों की राजकुमारी। सपने बेचने वाला कौन है? क्या महाराज पराभव की अपनी बेटी वापस मिल सकी? सौदागर राजकुमार वैभव को किस महर्षि के आश्रम पर ले गया था और क्यों? महर्षि सौदागर के साथ राजकुमार को देखकर क्यों मुस्कुराया था? महर्षि की मुस्कुराहट का क्या रहस्य था? राजकुमार वैभव के सपने में राजकुमारी किन्नर के आने का क्या रहस्य था? क्या राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी मिल सकी? क्या राजकुमार कालदेव के अजय जाल तिलस्म को तोड़ सका? क्या सपने बेचने वाला सचमुच षड्यंत्र के जरिए राजकुमार को ले गया था?
अगर हाँ तो वो षड्यंत्र क्या था? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा तुलसी कॉमिक्स के अगले सेट में प्रकाशित सपनों की राजकुमारी में, एक हाहाकारी तिलस्मी कॉमिक्स। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।